हमारा जो कराची का हॉस्पिटल है वो हम एक्सपेंड करने जा रहे हैं इंशाल्लाह। दिसंबर में हमारी जो है वो फेज़ वन की लॉन्च है, जो कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा हॉस्पिटल फ्री ऑफ कॉस्ट प्राइवेट सेक्टर का हॉस्पिटल होगा। अभी हम 300 बेड पे हैं, ये नई बिल्डिंग जब हमारी जो आप मेरे पीछे भी देख रहे हैं ये हम 1350 बेड पे इंशाल्लाह चले जाएंगे। और ये एक कराची और इंडस हॉस्पिटल की तरफ से जो है वो पूरे पाकिस्तान के लिए ये एक गिफ्ट है, एक तोहफा इसको आप समझ सकते हैं। तो ये हम इसमें यही चाहते हैं कि हमें जो है लोग बढ़ चढ़ के हमें सपोर्ट करें और डोनर फ्रेटर्निटी जो है वो हमारे साथ मैक्सिमम इसमें इंगेज हो सके। अब ये जो नई बिल्डिंग है ये ऑब्वियसली इसको इस टावर को खड़ा करना एक बहुत बड़ा चैलेंज था, क्योंकि इतने बड़े रकबे पे एक अस्पताल पहले जो हमें हम चला रहे थे अब उससे 3-4 टाइम्स ज़्यादा बड़ी एक बिल्डिंग हम खड़ी कर रहे हैं। तो ये ऑब्वियसली चैलेंज है हमारे लिए, चैलेंज था, लेकिन अल्लाह ताला के फजल करम से अब हम हमारा वो वक्त आ चुका है। जो बहुत से सवालात थे, बहुत से शकों को शुबाब थे कि ये कब बनेगा, कैसे बनेगा, क्यों बनेगा, तो ये हम इसीलिए ये अस्पताल जो है अब हमारा वो यानी वक्त जो है वो आ गया है कि हम इसको लॉन्च करें। और ये इसकी बिल्डिंग बिल्कुल तैयार हो चुकी है, आप लोग आएँ कराची में विज़िट करें। हमारी एमरजेंसी सर्विसेज अनकरीब स्टार्ट होने वाली हैं, बाकी जो वार्ड्स हैं हमारे वो आप इसमें आके विज़िट कर सकते हैं। तो चैलेंज रहा कंस्ट्रक्शन के हवाले से रहा, बीच में कोविड का एक टाइम आया जिसमें हमें कंस्ट्रक्शन में हमें रोकनी पड़ी चीज़ें, फिर हमारी टाइमलाइंस बढ़ती चली गई। बट ऑब्वियसली ईमान और जो हमारा एक था कि इंडस की मैनेजमेंट का कि हमने किसी भी तरह से अस्पताल खड़ा करना है, तो अल्हम्दुलिल्लाह हम अब ये इसको शुरू कर रहे हैं। अनअनाउंस्ड हम विज़िट करें, आप आके आप हमारे पास और आप देखें कि ये क्या चीज़ है जो बनने जा रही है। और ये सबके लिए बराबर इसमें वो होगा, कोई इंडस में पहले भी कोई तफरीक नहीं थी कि गरीब की अमीर की, हर कोई आके हमारे पास इलाज करा सकता है, हम किसी से पैसे नहीं मांगेंगे।